इस वीडियो में हम बात करेंगे 2013 की फ्रेंच मोरक्कन फिल्म रॉक द कस्बा के बारे में, जो कहानी है एक औरत की जो अपने पिता की मौत के बाद अपने घर लौट कर आई और सालों तक अपने परिवार से दूर रहने के बाद वो अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश करने लगी। मोरक्को में रहने वाला मोले हसन एक रईस बिजनेसमैन है जिसका हमेशा से मानना था कि फिल्मों और असलियत में ज्यादा फर्क नहीं होता। वो अपने स्वर्ग जैसे घर में रहकर खुश था, पर उसकी कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह गई क्योंकि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो गई। हसन का भाई अहमद उसकी मौत से ज्यादा दुखी नहीं था क्योंकि वो जानता था उसके भाई ने अपनी जिंदगी अच्छे से जी है। हसन की बेटी सोफिया सालों पहले न्यूयॉर्क चली गई थी, पर अब उसे 3 दिनों के शोक के लिए मोरक्को वापस लौट कर आना पड़ा। एयरपोर्ट पर उसके अमेरिकन पति के बारे में पूछताछ की जाने लगी, पर एक आदमी ने पूछताछ रुकवा दी क्योंकि सोफिया एक मशहूर और इज्जतदार आदमी की बेटी है। हसन का ड्राइवर जल्द ही सोफिया और उसके बेटे नुआ को वहाँ से लेकर घर की ओर बढ़ा, जहाँ हसन की पत्नी आयशा फ्यूनरल की तैयारियों में लगी थी। वो हर एक चीज परफेक्ट चाहती थी, पर अब भी सदमे की वजह से वो ये सोच रही थी कि हसन जिंदा है। किसी तरह उसकी नौकरानी यकूत ने उसे संभाल कर ये समझाया कि हसन दुनिया छोड़कर चला गया है। उस वक्त आयशा ने कहा कि वो चाहती है 3 दिनों का शोक खत्म होते ही यकूत घर छोड़कर चली जाए। हसन की दूसरी बेटी मरियम अपने पिता की मौत से ज्यादा अपने पति के बर्ताव से दुखी थी, और तीसरी बेटी केंजा उसकी मौत से इतनी परेशान थी कि वो हसन के कपड़े पहनकर घूम रही थी, और उसकी इन हरकतों से उसकी नानी परेशान हो गई थी। फ्यूनरल पर बहुत सारे लोग आए और कुछ घंटों बाद सोफिया भी नोआ के साथ वहाँ पहुँची। सोफिया के आने से यकूत बहुत खुश हुई क्योंकि वो सालों बाद उससे मिल रही थी, और नोआ को यकूत के पास छोड़कर सोफिया अपनी माँ के पास गई। अपनी माँ और बहनों से मिलकर सोफिया हसन को देखने चली गई, और आयशा के रोकने पर भी वो नहीं रुकी। सोफिया हमेशा से हसन को एक चिट्ठी के बारे में बताना चाहती थी, पर वो दिन हसन की मौत के बाद ही आया। वो चिट्ठी सोफिया की बड़ी बहन लैला की थी, जिसने सालों पहले अपनी जान दे दी थी क्योंकि वो जकारिया नाम के लड़के से शादी करना चाहती थी, और हसन ने उसे ऐसा करने नहीं दिया। सोफिया अपने पिता से नाराज थी और ये बात हर कोई जानता था। आयशा को ये बात अच्छी नहीं लगी कि सोफिया का पति जेसन अपना फिल्म शूट छोड़कर फ्यूनरल पर नहीं आया, पर सोफिया जानती थी कि हसन ने कभी जेसन को अपनाया ही नहीं, इसलिए उसके वहाँ ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त सोफिया लैला की बातें करने लगी और बातों बातों में उसकी आयशा से बहस शुरू हो गई। सालों बाद तीनों बहनें एक दूसरे से बातें कर रही थी, और उस वक्त वहाँ सोफिया की एक फैन आ गई, और सोफिया को ऑटोग्राफ देते देख मरियम कहने लगी कि सोफिया को सिर्फ आतंकवादियों के रोल्स मिलते हैं और इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अचानक वहाँ मरियम का डॉक्टर आया जिसे वो पसंद करती है, और मरियम को उससे फ्लर्ट करते देख सोफिया और केंजा हंसने लगे। उन तीनों बहनों को एक फ्यूनरल पर ऐसे बातें करते देख इमाम उन्हें डांटने लगे, पर वो तीनों इमाम पर ही हंसने लगे। सोफिया अपनी नानी से भी सालों बाद मिल रही थी, और सोफिया से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि सोफिया को न्यूयॉर्क में ही रहना चाहिए, अगर वो इस जगह रहने आई तो दूसरों की तकलीफों में खुद अपनी जिंदगी खो देगी और अपनी दोनों बहनों की तरह अपना दिमागी संतुलन खो देगी। कुछ वक्त बाद सोफिया को यकूत का बेटा जकारिया मिला, जो वही आदमी है जिससे लैला प्यार करती थी। जकारिया उसे देखकर हैरान हो गया क्योंकि सोफिया अब बिल्कुल लैला जैसी दिखने लगी है। हसन से नफरत करने की वजह से जकारिया घर में आने से इनकार करने लगा, पर सोफिया के कहने पर वो कुछ वक्त के लिए वहाँ रुक गया। नोआ अपने अरब परिवार के बीच अजीब सा महसूस करने लगा था क्योंकि ये दुनिया उसके लिए नई थी, और इस बात पर कुछ लोग सोफिया को ताने मारने लगे। केंजा का बेटा सोफिया की तरह एक एक्टर बनना चाहता था, पर उस परिवार के लोग अब भी ये सोच रहे थे कि एक्टिंग एक अच्छा प्रोफेशन नहीं होता। ये बातें सोफिया को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और गुस्से में उसने सबको बताया कि वो जेसन से अलग हो रही है, इसलिए जेसन वहाँ नहीं आया। आयशा कहने लगी कि उनके परिवार में तलाक नहीं लिए जाते, और उस समाज में औरतों की जगह को लेकर उन सब की बहस हो गई। सिर्फ यकूत थी जिससे बातें करके सोफिया को बेहतर महसूस होता है। यकूत ने बताया कि आयशा उसे नौकरी से निकालने वाली है, पर सोफिया जानती थी कि जो औरत 30 सालों से इस घर में है उसे आयशा कभी घर से नहीं निकाल सकती। उस रात मरियम, सोफिया और केंजा तीनों ही हसन की बातें करने लगे, और कुछ देर बाद आयशा भी वहां आ गई क्योंकि उसे भी नींद नहीं आ रही थी। सोफिया ने यकूत को नौकरी से निकालने की वजह पूछी, और जब आयशा ने कहा कि वो उसका चेहरा देखकर थक चुकी है तो वो तीनों बहनें हैरान हो गई। देर रात बेचैन होकर सोफिया किचन में चली गई, और उसके पास केंजा का बेटा आ गया जिसने बताया कि वो हॉलीवुड में जाकर एक एक्टर और सिंगर बनना चाहता है। एक तरफ वो सोफिया को गाना सुना रहा था तो दूसरी तरफ नोआ हसन को देखने उसके कमरे में जा रहा था। अचानक नोआ के पास हसन की आत्मा आ गई, और हसन को अपने सामने देखकर नोआ डर गया। हसन अपने घर में हो रही हर एक चीज देख रहा था, और अगले दिन वो निराश था क्योंकि उसे उसके पछतावे और गलत फैसलों के साथ ही दफनाया जाने वाला था।
जैसे जैसे दफनाने का वक्त करीब आ रहा था, आयशा के लिए खुद को संभालना और मुश्किल साबित होता जा रहा था। इस सब से दूर हसन नुआ के साथ बैठकर उससे बातें कर रहा था। हसन की बॉडी वहां से जाते ही घर में शांति का माहौल हो गया और कुछ वक्त बाद मेहमानों को खाना दिया जाने लगा। उस परिवार के झगड़े अब तक सुलझ नहीं पाए थे और लैला के बारे में बात करते हुए सोफिया कहने लगी कि अपने पिता को खुश रखने के लिए उन सारी बहनों को अपनी खुशियां मारनी पड़ी। पर सोफिया की बातों की वजह से केंजा अपना आपा खो बैठी और कहने लगी कि उसे वापस न्यूयॉर्क चले जाना चाहिए क्योंकि वो एक मतलबी लड़की है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मरियम गुस्से में वहाँ से चली गई और अपने परिवार को इस तरह देखकर हसन मुस्कुराने लगा। दूसरी ओर जकारिया अब सोफिया के करीब आने के बारे में सोच रहा था और उसे सोफिया के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिला। वो अपने परिवार से दूर जाना चाहती थी, इसलिए जकारिया उसे वहाँ से दूर ले गया। उस इलाके से दूर जकारिया उसे शहर की ओर ले गया जहाँ उसकी एक दुकान है। जकारिया ने बताया कि वो पायरेसी का काम करता है और उसकी डीवीडी की दुकान में उसे पता चला कि सोफिया अपने पति को छोड़ना चाहती है। सोफिया जानती थी कि जकारिया उसे पसंद करता है और इसलिए वो उसके साथ एक क्लब में जाने के लिए तैयार हो गई। क्लब में वक्त बिताते हुए अचानक जकारिया को एक औरत नजर आई और सोफिया को वही छोड़कर वो उस औरत के पास चला गया। उनका पीछा करने पर सोफिया को पता चला कि वो औरत जकारिया के बच्चे की माँ है। जैसे ही जकारिया को पता चला कि सोफिया ने उसे बाथरूम में देख लिया है तो वो उसके पीछे गया और उससे माफी मांगने लगा। सोफिया इस बात से भी नाराज थी कि जकारिया लैला के लिए कभी लड़ा नहीं, पर जकारिया ने बताया कि लैला एक दिन अचानक घर छोड़कर चली गई। तब सोफिया को पता चला कि लैला प्रेग्नेंट थी और हसन जबरदस्ती उसका अबॉर्शन करवाना चाहता था, इसलिए लैला को जिंदगी से बेहतर मौत लगने लगी। और जब लैला ने अपनी जान दी तब उसके पेट में उसका बच्चा भी था। उन दोनों को पता चला कि उनकी गाड़ी के पार्ट्स चुरा लिए गए हैं और उन्हें बिना गाड़ी के घर लौटना पड़ा। घर लौटकर सोफिया को अपने सामने मरियम नजर आई। मरियम ने बताया कि वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं और ना ही अपनी शादी से खुश है। एक दूसरे से बातें करने पर उन दोनों को बेहतर महसूस हुआ और उन दोनों ने अपने झगड़े को खत्म किया। शोक के तीसरे दिन आत्मा मुक्त होती है और हसन का इस दुनिया से अलग होने का वक्त आ रहा था। आयशा अब भी यकूत के जाने का इंतजार कर रही थी क्योंकि वो जानती थी कि यकूत हसन से प्यार करती थी। पर जिस तरह आयशा ने लैला को खोया उसी तरह यकूत ने भी अपने बेटे को खो दिया था, इसलिए वो चाहती थी कि यकूत उसके साथ ही रहे ताकि वो दोनों एक दूसरे से अपना गम बांट सके। सोफिया के परिवार वाले उसकी फिल्म देख रहे थे और फिल्म देखकर सोफिया की नानी ये सोचने लगी कि सोफिया को सच में मारा जा रहा है। अहमद ने बताया कि हसन का कोई बेटा नहीं था, इसलिए उसकी सारी जायदाद अहमद को मिलेगी। पर यह बात हसन की बेटियों को नाइंसाफी लगी। अहमद कहने लगा कि कुरान में भी लिखा है कि वारिस एक मर्द होता है, पर यह बात भी किसी को अच्छी नहीं लगी। तीनों बहनें कुछ वक्त के लिए घर से बाहर गई और तब अहमद की बातें करते हुए मरियम ने कहा कि बचपन में अहमद ने उसे गलत तरीके से छुआ था। सिर्फ उसे नहीं, केंजा को भी उसने छुआ था, पर वो दोनों शर्मिंदगी के डर से ये किसी को नहीं बता पाई। और तब सोफिया ने समझाया कि अहमद को शर्मिंदा होना चाहिए, उन दोनों को नहीं। मरियम का कहना था कि यहाँ का समाज उन्हें ही गलत मानेगा, इसलिए उनका चुप रहना ही बेहतर है। उस दिन सोफिया को हसन की कुछ चीजें मिली और उन चीजों में उसे एक तस्वीर मिली जिसे देखकर उसे पता चला कि जकारिया असल में हसन और यकूत का बेटा है। ये सच जकारिया को भी पता चल गया जब उसे हसन के वकील ने कॉल किया। जकारिया ये जानकर अपनी माँ के पास गया और उनसे बदतमीजी करने लगा। उसे पता चला कि हसन ने बदनामी के डर से सच्चाई छुपाई और इस बारे में वो कुछ नहीं कर पाई। जकारिया ना सिर्फ लैला का सौतेला भाई था बल्कि हसन का वारिस भी था और ये जानकर उसे हसन और अपनी माँ दोनों से नफरत होने लगी। सोफिया बिना वक्त गवाए जकारिया के पास गई और उसे ये कहकर संभालने लगी कि हसन हमेशा से एक बेटा चाहता था। उस दिन हसन के वकील ने सबको जकारिया का सच बता दिया और तब आयशा ने बताया कि लैला की मौत के बाद उसे ये सच पता चला था, मगर उसने ये सच छुपाए रखा ताकि उसका परिवार ना टूटे। इस सच ने सबसे ज्यादा परेशान केंजा को किया, मगर अहमद अब भी सिर्फ जायदाद की बातें करने लगा। मरियम और केंजा दोनों ही जकारिया को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, पर आयशा के समझाने पर सारी बहनें शांत हुई। इस सच ने उस टूटे हुए परिवार को जोड़ दिया और आयशा ने जकारिया को अपने परिवार का हिस्सा बनाते हुए उसे विरासत सौंप दी।
अंत में वो पूरा परिवार पुरानी यादें ताजा करने लगा और सब खुशी खुशी साथ रहने लगे। अचानक वहाँ जेसन भी आ गया, जिसने अपनी फिल्म छोड़ दी और सोफिया से माफी मांगकर उसने सोफिया के साथ अपना रिश्ता सुधार लिया। जो चीज हसन जीते जी कभी नहीं कर पाया वो उसकी मौत के बाद हो गया, और अपने पूरे परिवार को साथ देखकर वो खुशी खुशी ये दुनिया छोड़कर चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कॉमेंट जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।